हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब? सब एकदम बढ़िया डॉक्टर्स, एकदम चंगे, मजे में, मजा आ रहा है लाइफ में, सब कुशल मंगल है ना? ठीक है बच्चों, तो वेलकम यू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। तो बच्चों, अन अकेडमी आपके लिए लाया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों, तीनों चीजें एक ही चैनल केमिस्ट्री 101। तो जिन बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री 101 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चीटिंग करना बंद करो, तुरंत सब्सक्राइब करो। हाँ जी, तुरंत सब्सक्राइब करो केमिस्ट्री 101 को। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करो, हो गई? ठीक। अब हेलो गाइस, आई एम शुभम सुहाला, आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आई एम MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट बच्चों। मैंने 2017 में अपना नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। आई एम मेंटर टू सेवरल एस्पायरेंट्स ऑफ नीट। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 सालों से। ठीक है, बहुत अराउंड 150 to 200 डॉक्टर्स मैं अब तक बना चुका हूँ। इस बार मुझे उम्मीद है कि अन अकेडमी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो कम से कम एक बार में 500, 600 या 1000, 2000 बच्चे निकालेंगे। तो क्या बच्चे, आप उन 1000 या 2000 में आने के लिए तैयार हो? हम तो यही सोचते हैं कि हम सबको सिलेक्शन करा दें, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर डे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए। आप लोग भी मेहनत करो और मेरा साथ दो, जिससे कि हम लोग 1000 से 2000 बच्चे, मैं अपने स्टूडेंट जिन्हें कह सकूं, उन्हें इस साल मेडिकल कॉलेज पहुंचा सकें। ठीक है बच्चों, तो वेलकम टू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर बाय जस्ट सिटिंग एट योर होम एंड टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ठीक। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, सबसे पहले तो उसे डाउनलोड कर लो, मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, लैपटॉप पीसी जो भी है मतलब इंस्टॉल कर लो बच्चों। ठीक है, उसके बाद कोर्स सेलेक्ट कर लो नीट यूजी। आफ्टर दैट सिलेक्ट योर कोर्स नीट यूजी, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। आपकी आंखों के सामने एक प्यारी सी रेट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं, आप अन अकेडमी पे फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस देख सकते हो बच्चों। ठीक है, मेरी भी क्लास होती है, आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अराउंड सुबह 8 बजे हो जाती है बच्चों डेली। ठीक, तो आप लोग आ सकते हो वहां पर, बहुत सारी मिलके बातें करेंगे। ये रहा मेरा प्रोफाइल, मोर देन 135 फॉलोअर्स होंगे इस समय, फोटो थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, डेडिकेशन वो तो आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज, आओ जल्दी से अन अकेडमी पर भी, हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी आओ, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्यों, आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और साथ ही साथ बच्चों पोल में आंसर भी कर सकते हो। ठीक, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं हमारे, मोर देन 119 कोर्सेज इस समय अन अकेडमी पर चल रहे हैं बच्चों, जिसमें क्रैश कोर्सेज 21, 22 सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आनंद सर का भी अभी 2021 का भी निकला है। ठीक है, जून में, शायद जून या जुलाई से स्टार्ट हुआ है बच्चों, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। लाइव टेस्ट और क्विजेस, आप लोग अपने टेस्ट दे देकर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करो। आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस का। ठीक है बच्चों, इसके साथ बहुत बेहतरीन फायदा कि आपके लेक्चर्स कभी भी मिस नहीं होंगे। ठीक है, आपके लेक्चर्स बच्चों कभी भी मिस नहीं होने वाले हैं, आप अपने कंफर्ट डिवाइस से लेक्चर्स को देख सकते हो और घर से ही फ्लाइट पकड़ सकते हो कहाँ की, मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, तो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेने की अगर बात करें बच्चों, तो वैसे 1 मंथ का है 5400, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 54,000 के अप्रोक्सीमेट पड़ता है, लेकिन 10 मंथ्स का। ठीक, और बच्चों लेकिन अगर आप 12 मंथ्स का लोगे तो लेस देन 2500 पर मंथ आपको पड़ेगा, और अगर आप 24 मंथ का लेते हो तो 32,400 ओनली। अब बहुत सारे प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं, कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेस, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो
तो यूज करें मेरा कोड SHUB1 फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। 30,000 का कोर्स है, अगर आप SHUB1 यूज करोगे तो आपको होगा 27,000 ओनली। ठीक है बच्चों? अजी ठीक है, ओके सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चंस ऑन बॉन्ड ऑर्डर। आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से आया? एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई? हल्का सा, बस थोड़ा सा ज्ञान ले लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारी बातें वीबीटी जी बाबा ने जो बताई थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमें क्या लाना पड़ा? एमओटी। पहली बात जो नई काम आ रही थी, O2 का स्ट्रक्चर बाबा जी ने बोला कैसा है? डाई मैग्नेटिक। निकला कैसा? पैरा मैग्नेटिक। बाबा हमें धोखा देके भाग गए, हम किसके पास पहुंच गए? एमओटी। एमओटी ने हमें बस इतना सा कहा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाओ, सारे क्वेश्चन अपने आप बता दोगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाओ, सारे क्वेश्चंस अपने आप बता दोगे। ठीक, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आओ सबकी बात करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकाला क्या जाए, कैसे जाए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दो केसेस होते हैं बच्चों। एक होता है फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट। ठीक है, 14 एलिमेंट्स कम होने चाहिए मॉलिक्यूल में। ठीक, और एक ऑप्शन है 15 से 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मॉलिक्यूल में। सिर्फ दो ही केसेस के लिए आप लोगों के सिलेबस में बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों, तो आओ देखते हैं। आइए देखें, सबसे पहले क्या हुआ, 1s ऑर्बिटल थ्योरीज बच्चों यहां पर। ठीक है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर कंबाइन कर रहे हैं और दो में डिवाइड कर जा रहे हैं। ठीक, इसकी एनर्जी कैसी है बच्चों? हायर एनर्जी है। इसकी एनर्जी कैसी है? लोअर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1s सिग्मा 1s। ठीक, ये किसमें है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। किसमें है बच्चों? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक, बच्चों ये किसमें है? सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग में। क्या हुआ, आपके दो ऑर्बिट्स कंबाइन किए और क्या बना लिए बच्चों? एक तो कन्वर्ट हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया बीएमओ में। एक आपका चला गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिसे आप क्या कहते हो, ABMO। ABMO, ठीक है, क्या कह देते हो बच्चों से? ABMO। ठीक, बात करते हैं बच्चों आगे की। ये क्या है सर? 2s। बच्चों ये क्या है आपका? 2s। ठीक, ये है 2s, ये है 2s। ये क्या हो जाएगा अब? 2s सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या है बच्चों? सिग्मा 2px, सॉरी पाई 2px, पाई 2px। ये क्या है बच्चों? पाई 2py। ठीक, कहां से बन रहा है बच्चों? PY से बन रहा है, 2p से आ रहा है ये सब। ठीक, ये क्या है बच्चों? 2pz इसमें सिग्मा का। ठीक, ये क्या है बच्चों? पाई 2px स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग का पाई स्टार 2py। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2py जेड, सॉरी जेड। ठीक, ठीक है बच्चों, ओके सर। कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं भाई? हुंस रूल लगाते जाना। पहले सबसे छोटा ये है, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों? दो, एक दो। फिर इसमें 1 2, इसमें 1 2। ठीक है, ऐसे भरते चले जाना। इसमें ध्यान देना, पहले 1 इसमें, तो 1 इसमें, क्योंकि सेम एनर्जी के हैं। फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है? ठीक, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, इस पे 21 21 है, 2 1 2 1, ठीक। तो जब 1 to 14 की बात करते हैं तो क्या करो, 2 1 2 1 लिख लो, ठीक। और बच्चों जब 15 to 20 इलेक्ट्रॉन्स की बात करने वाले होंगे हम, तो 1 2 2 1 लिख लो, ठीक। 21 21 12 21, क्या नंबर बन रहा है? 21 21 12 21, कोई डाउट? 21 21 किसके लिए हो जाएगा? 1 to 14 के लिए, और 15 to 20 के लिए 12 21, आया ना? ठीक, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों, बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने को मौका मिलेगा। सबसे पहले बच्चों बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी बतानी है हमें। तुम किसकी बताने वाले हैं, कैसे बताने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एन बी में प्रेजेंट है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा, ठीक। और वहां पर बच्चों अगर कम है या इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो वो बॉन्ड अनस्टेबल, ठीक। अभी बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हीलियम की, हीलियम सेकेंड की, ठीक। क्या होगा? 1s2, 1s2 है, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा अब देखो, σ1s, σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार, ठीक। फिल करना चालू करें, 1 2 3 4। बच्चों देखो, बच्चों देखो, क्या दोनों में इक्वल है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हाँ या ना बच्चों? बच्चों इसी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, इसी वजह से बीट हीलियम का सेकेंड एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। आओ सेकेंड पॉइंट देखें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? डाई मैग्नेटिक, ठीक। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इवन बच्चों बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बताया बॉन्ड एनर्जी का, ठीक। अब बच्चों आयनाइजेशन इन एनर्जी क्या होती है? याद करो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से निकालने में लगेगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों याद रखना ये चीज, एग्जाम में पूछी जा सकती है इस बार, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक। क्या है? सबसे पहले कहां से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, लास्ट में बच्चों एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। बच्चों बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अच्छा देखो बच्चों, अगर बॉन्ड ऑर्डर हो जाए सेम, ठीक है, आप मान लेते हैं कुछ भी चेक कर रहे हो इसमें से, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ठीक है, कुछ भी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बच्चों अगर गलती से बॉन्ड ऑर्डर दोनों में हो जाए सेम, तब क्या करोगे बच्चों? तब क्या करोगे, क्या कर सकते हैं सर? उसके बाद बच्चों चेक कर लेना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, क्या चेक कर लेना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चों। क्या बता देगा तुम्हें? जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीजेस,
नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बॉन्ड स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है। ठीक, ये हो गई बच्चों एप्लीकेशन। अब सॉल्व करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन। इतना था थियोरटिकल पार्ट, अब आ जाओ बहुत सारे क्वेश्चन की ओर। ये क्या है बच्चों, एच टू। क्या है एच टू? वन एस वन, वन एस टू। ठीक, क्या हो जाएगा? क्या ये हो गया एच टू? बच्चों क्या यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है? नो सर। ये क्या है बच्चों, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे आप सिग्मा वन एस कहते हो, सिग्मा वन एस कहते हो, हाँ या ना? तो मतलब एच टू कैसी है बच्चों, स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देख लो बच्चों, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। ठीक, एन बी कितना है बच्चों, टू माइनस जीरो अपॉन टू। क्या आ गया आंसर? वन। हाइड्रोजन का आंसर क्या हो गया? वन। ठीक, बात कर लेते हैं एच टू प्लस की। किसकी बच्चों? एच टू प्लस की, वन एस वन, वन एस जीरो। एक को जीरो मान लो। ठीक, भाई अब निकाल लो, एन बी कितना है? वन। एन ए कितना है? जीरो बाई टू, तो वन अपॉन टू हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल सर। क्या आंसर हो गया? 0.5। आंसर क्या है बच्चों? 0.5। क्या कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर? क्या कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकते हैं? बिल्कुल सर। ठीक बच्चों, अच्छा एक मेरे दिमाग में और आइडिया है तुम लोगों के लिए। जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इस समय करेंटली, सब लोग ध्यान से सुन लेना। क्या पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक दिन में रिवाइज करना चाहते हो? 11th की पूरी एक दिन में, 12th की पूरी एक दिन में? ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ कॉन्सेप्ट और कुछ कुछ क्वेश्चन। जो बच्चे चाहते हो वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दें यस। कमेंट सेक्शन में क्या लिख दें? यस। ठीक है, जो बच्चे नहीं चाहते कोई बात नहीं, फिर नहीं पढ़ाएंगे और क्या। तुम्हारी, मैं बार बार कह रहा हूं ना, तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर मेरी मेहनत डिपेंड कर रही है बच्चों। अब हीलियम में मैंने क्या बताया? 1s2। अभी मैंने सॉल्व किया था हम लोगों ने। क्या हो रहा है सर? जीरो बॉन्ड ऑर्डर। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि एन बी और एन ए दोनों क्या है? जीरो। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसा मॉलिक्यूल है? अनस्टेबल। बी टू की बात कर लो बच्चों। बी टू क्या होता है? बी से बोरॉन, मतलब सिक्स कार्बन, फाइव कार्बन, फाइव फाइव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन एस वन। आ जाओ यहां बना लेते हैं, वन एस वन, वन एस वन, टू एस टू, टू एस टू बच्चों, फिर टू बी वन, टू बी वन। टेक, क्या हो जाएगा? क्या 14 से कम है? बिल्कुल सर। क्या करते हैं? 21, 21। ठीक है बच्चों, अब देख लो क्या करें। वन एस टू भर दिया, टू एस टू में कितना है? चारों भर दो। अब बच्चों यहां पर कितना है? टू पी वन है। ठीक है, टू पी वन दोनों में होता है, बोरॉन है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितने बॉन्ड खाली हो गए? दो। ठीक, क्या कर दें? टू माइनस वन, टू माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक है, अपॉन टू। क्या आंसर आया? वन। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? वन। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं पैरामैग्नेटिक है डाइमैग्नेटिक है, क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक है सर। ठीक बच्चों, अब देख लो सी टू, मिटा देते हैं ये पूरा पेज। ठीक, सी टू कार्बन में वन एस टू, वन एस टू, टू एस टू,
टूपी, टूपी, टू बच्चों, टूपी टू, टूपी फोर नहीं, टूपी टू। ठीक, अब क्या हो जाएगा बच्चों देख लो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ठीक, अब वन टू थ्री फोर, ठीक, तभी ना आगे जाएंगे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, एन बी कितना है, फोर। ठीक, 4 - 0 = 2 / 2, तो क्या आंसर आ गया, टू। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया कार्बन सी टू का, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन का कितना हो गया सी टू का बच्चों, टू। ठीक, अब बच्चों आ जाओ एन टू, एन टू प्लस और एन टू माइनस में क्या क्या डिस्कस करना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी, हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ सबकी बात कर लेंगे। ठीक है, एन टू कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सात। ठीक, ये बन गया 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2p में कितने हैं बच्चों, 3, 2p, 3। ठीक, 1s 2 भर दो, 2s भी पूरा भर दो। अब बच्चों आ जाओ यहां पर क्या करें, सबसे पहले इधर एक, इधर 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 जी, फिर इधर और इधर। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, 2p3 है, 2p3 है, यस सर। क्या हो गया, एन बी माइनस एन ए कर लो, क्या बच्चों 6 - 0 हो गया, क्या आंसर आ गया, 6/2 आंसर हो गया 3। एन टू का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। अब एन टू प्लस का बॉन्ड ऑर्डर देख लो बच्चों, एक काम करो ना, बार बार मत बनाओ ये सब, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या किया हमने, एन टू प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना हो गया ये, क्या 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 - 0/2 क्या आंसर आ गया, 2.5। ठीक, और एन टू माइनस है बच्चों, ठीक है, तो एक तो यहां पे हो ही रहा है, एक यहां पे और कर दो, मतलब क्या 6 - 1/2 हो जाएगा, मतलब क्या बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 2.5 आ गया, यस सर। अब क्या करें, बॉन्ड स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, क्या करें बच्चों, सबसे पहले तो सर जिसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए, मतलब एन टू को पहले लिख दीजिए। अब बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम है, 2.5, 2.5, यस सर। आपने अभी एक केस बताया था सर, देख लो यहां पर क्या बोला था मैंने, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो बॉन्ड स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो क्या एन टू में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में चला गया, यस सर। क्या इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, एन टू माइनस फिर एन टू प्लस। ठीक, कोई डाउट बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत ज्यादा आसान बच्चों, करो फटाफट से, ओ टू प्लस, ओ टू, ओ टू माइनस, ओ टू माइनस टू। ठीक है, हो गया, आ जाओ, कुछ होना है, करना ही नहीं है, क्या करोगे इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये बोनस समझ के आना, मतलब करके जरूर आना तमीज से, इसीलिए बच्चों उसका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है, इसलिए मैं तुम लोगों को आज करा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि कम से कम जो क्वेश्चन आते हैं उसका रिवीजन तो हो जाए, मालूम पड़ा जो आता है वही भूल गए, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ही भूल गए, और एग्जाम में कह रहे हो सर ने रिवाइज ही नहीं कराया। एक आ जाओ बच्चों, क्या करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं O2 में, O2 की बात करो बस, सबसे पहले 16 है ना, ठीक है, O2 की बात करो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक में, ठीक है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक बच्चों, 8 तो तुम्हारे वहीं खत्म हो गए 16 में से,
तुम्हें जल्दी करने की ट्रिक बता रहा हूँ अब, ठीक? बचे कितने? आठ। आठ को भरना चालू करो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये क्या हो गया? ओ टू। अब बच्चों देख लो, बच्चों ध्यान से देखना, अब ओ टू है ये, ठीक है? ओ टू में क्या करें? अब बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर निकालो सबसे पहले, तो 6 - 2 / 2 क्या हो जाएगा? क्या 4/2? क्या बॉन्ड ऑर्डर ओ टू का कितना आ गया? 2। ओ टू प्लस का कर लो बच्चों, मतलब एक यहां से निकाल दो, कितना हो जाएगा? 6 - 1/2 कितना हो गया बच्चों? 5/2, 2.5 बच्चों। अब हो जाएगा ओ टू माइनस, क्या एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं यहां पर? बिल्कुल सर, कर दो। क्या हो जाएगा? क्या 6 - 3 हो गया / 2? यस सर, आंसर क्या है बच्चों? 1.5। O2 - 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, कर दिया। कितना हो गया बच्चों? 6 - 4/2 क्या हो गया? 2/2 = 1। हाँ सर, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? 1.5, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 1। बच्चों कंपेयर कर लो सर, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 - 2, ठीक। बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों सेम टू सेम, बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम, बॉन्ड एनर्जी सेम, बॉन्ड लेंथ अपोजिट, जो दिया हुआ है जस्ट इसका अपोजिट कर दो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर? बच्चों एक काम करो, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लो, बॉन्ड ऑर्डर अपने आप सेम हो जाएगा, ठीक है? N2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। C और O में कितने? क्या बच्चों? 6। कार्बन में कितने? 6। इसमें कितने? 8। N2 + N2- नॉट पॉसिबल, N2 + O2 + नॉट पॉसिबल, O2 + O2- नॉट पॉसिबल, आंसर डायरेक्ट ए आ गया। बच्चों ये तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढते हैं फिर बॉन्ड ऑर्डर ढूंढते हैं, इतनी मेहनत काहे को जब आसानी से आंसर मिल रहा है, ठीक। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO एंड CO-, आसान है कि टफ है? आ जाओ बच्चों बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो यहां पर। CO में कितने बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन में कितने? 6। ऑक्सीजन में कितने? 8। कितना हो गया बच्चों? 14। यहाँ पे कितना हो गया? 15। कौन सी ट्रिक लगा दो? 21 21, सॉरी 21 21, ठीक लगा दें? अरे लगाओ सर, क्या सोच रहे हो उसमें भी, ठीक। क्या कर दें? 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 6 - 0 = 2/2, आंसर हो गया 3। CO का आंसर क्या हो गया बच्चों? 3। CO माइनस का क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और लगा दीजिए, 6 - 1 कर दीजिए / 2, क्या हो गया आंसर? 2.5, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों, आयनाइजेशन इंथैल्पी वी आर गोइंग टू कंपेयर करने वाले हम लोग एच से और एच टू का, ओ का और ओ टू का, एन का और एन टू का, ठीक है? याद क्या रखना है बस तुम्हें, याद रखो वो चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर आज ही बताई है, BMO AO, फिर कहाँ होता है? ABMO, ठीक। H2 में देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसमें तो पता है 1s1 है, एटॉमिक ऑर्बिटल में है। H2 में बस चेक कर लो बच्चों कहां है, कहां पे है बच्चों? 1s1 में, सिग्मा 1s1 मतलब बॉन्डिंग BMO में है। बिल्कुल सर, आंसर क्या हो गया? ये H2 में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू H, ठीक। O2 में देख लो बच्चों, बच्चों ये इस साल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये साल मुझे एक्सपेक्टेड है, तो आ सकता है बच्चों, ध्यान से समझ लो इसीलिए, ठीक है? क्योंकि वो सब क्वेश्चन इतनी बार पूछ लिया कि इस साल अगर कुछ हटके देना होगा तो ये दे सकता है, ठीक है? O2
O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था याद करो, ABMO। ऑक्सीजन में कहां पे होता है, AO में। हाँ या ना बच्चों, देख लेते हैं एक बार, बस कोई डाउट ना रह जाए तुम लोगों को, ठीक है। देख लो बच्चों, 6, 8 यहां हो गए थे, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कहां जा रहा है, ठीक है, ABMO में। N2 और N में देख लो बच्चों, अब N2 में, N में कहां जा रहा है, N2 में कहां जा रहा है बच्चों, BMO में। आंसर क्या हो जाएगा, N2 में ज्यादा एनर्जी लगेगी, नाइट्रोजन में कम। आसान है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होमो और लूमो की। बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं आया है, ठीक है। सुनो क्या होता है होमो, मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और लूमो का मतलब क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो CU में C2 पूछा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों, क्या पूछा है, C2, C2 में नंबर ऑफ कार्बन कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 12। तो क्या पूरा बना लेते हैं बच्चों, उसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s बच्चों, क्या ये पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, पाई 2p, सिग्मा 2p जेड, पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, और बच्चों ये क्या है, सिग्मा 2p जेड स्टार में, लेकिन ठीक बच्चों अब फटाफट से करते हैं। C2 है 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के आगे नहीं है, 12 के आगे नहीं बच्चों, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा दिख रहा है तुम्हें, क्या पाई 2p एक्स और क्या पाई 2p वाई दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। और लूमो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो कि हाईएस्ट या लोएस्ट कह रहे हैं, लोएस्ट बस नाम के लिए लोएस्ट है, लेकिन तुम्हें वो ऑर्बिटल पहला देखना है जो कि कंप्लीटली क्या हो, अनऑक्यूपाइड, ठीक है बच्चों। ये तो तुम लोगों को पता है। एक टर्म और होता है सुमो, सिंगल ऑक्यूपाइड सोमो होता है, ठीक है, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिल हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिल हो, उसे क्या कहते हैं आप लोग, सोमो। आओ एक एग्जांपल बता देते हैं फटाफट से, सुन लो, ठीक है। यहीं तक करते हैं, ठीक है, इसी में बता देते हैं। ये क्या बच्चों, क्या है ये, 2s सिग्मा पाई, क्या सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब यहां पर क्या ये सिंगल ही ऑक्यूपाइड है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सुमो, ठीक। ये क्या हो जाएगा बच्चों, होमो, और उसके ऊपर जो तुम्हारे दो अनऑक्यूपाइड राक्षस हैं उसे क्या कह दोगे, उसे क्या कह दोगे बच्चों, लूमो, ठीक। कोई डाउट, नो सर, पक्का आ गया बच्चों, यह सुमो जिसमें सिर्फ एक हो, उसके नीचे फिर क्या हो जाएगा, होमो जिसमें दो होने चाहिए, ठीक। द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, क्या होगा आंसर बच्चों, NO2+, नॉट पॉसिबल,
ओ टू प्लस नॉट पॉसिबल, ये तो रिपीट ही हो रहा है। सी एन माइनस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, क्या पैरामैग्नेटिक होगा बच्चों, बोलो। आ जाओ देखें, ओ टू माइनस, वैसे आंसर तो ऐसे ही आ रहा है लेकिन देख लेते हैं फिर भी तुम लोगों के लिए, ठीक। एनओ प्लस बच्चों कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7। बच्चों अब देखो बहुत सारे लोग वो ट्रिक बताते हैं 1, 1.5, 2, 2.5, भाई मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मुझे पता है वो चीज भाई। वो चीज अगर मान लो इधर का उधर गलती से कर दिए ना तो सब कुछ इधर का उधर हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर ओ शिट वाली मिस्टेक हो जाए ना बच्चों तो उससे ज्यादा दुख की बात नहीं होती है फिर एग्जाम में, ठीक है। तो मैं वो ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं ना वो ट्रिक कभी फॉलो करने के लिए कहा हूं ना बच्चों को कहूंगा। 7 + 7 क्या होता है बच्चों, 14। 14 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। सी ओ फिर 14, 3, ठीक। सी एन माइनस क्या होगा बच्चों, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8, मतलब क्या हो गया फिर से 14, जो कि हो गया 3, बचा क्या सिर्फ O2 माइनस। यार जानते ही हो यार O2 में कितना होता है सर, दो हमारे पैरामैग्नेटिक, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर पैरामैग्नेटिक, बताओ भाई कौन से दो पैरामैग्नेटिक हैं, N2 नॉट एट ऑल, CO नॉट एट ऑल, B2 और NO2 बचा बस, फिर NO2 तो वैसे भी हो गई, 7 है, ठीक है, 7 + 16, B2 बच्चों क्यों, B2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अच्छा 10 होते हैं, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक, ये तो पूरा के पूरे भर दोगे। अब 2p1 की बात करें बच्चों तो देख लो क्या दो 2p1 होंगे, बिल्कुल सर, ठीक। विच नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2-, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बच्चों, आओ देख लेते हैं। पाई 2p एक्स और ये वाई हो गया, फिर क्या होता है जेड, ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, गिन लो, अब गिन लो भाई क्या करें, अब एक ये, एक ये, एक ये, 3 आंसर आ रहा है, ठीक। किसमें मिनिमम बॉन्ड एनर्जी है भाई, हो जाएगा नहीं ये, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आप सबको मजा आया होगा। तो बात करेंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में बच्चों, ठीक है, अगला लेक्चर होगा हमारा जो आप लोग टॉपिक बताओगे, ठीक है। तो बाय गाइस, वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन का, जिस अकॉर्डिंग आप लोग बायोलॉजी 101 को प्यार कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार यहाँ पे भी कर लो बच्चों, ठीक है। तो होप यू आर ऑल वेल एंड गुड, आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। यूज कर रहे हो मेरा कोड SSUB1 फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, बाय गाइस। अच्छा एक चीज, बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये जो चीज आप बताए हो इसका कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ये 212 हो रहा है या 121। बच्चों देखो ये कहां से अप्लाई करना है, 15 से 20 तक में अप्लाई होना है क्या, ये बच्चों 15 से 20 तक में अप्लाई होना है, ठीक है।
ये अचानक से मेरे दिमाग में आया कि तुम लोगों को ये भी बताई दूं, ठीक है, 15 से 20 तक में ये अप्लाई करना है लेकिन, ठीक है, तो सर 14 तक तो ये भरी गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो बच्चों उसके बाद तो यहां पर भी 2-1 ही है ना, उसके बाद तो बच्चों यहां पर भी 2-1 है, ठीक है, और यहां पे भी 2-1 है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, बस ये समझ लो, ये जो 11th के बच्चे हैं ना, ये चीज उनके लिए है, तुम लोगों के लिए तुम एक भी याद हो जाए ना तो बस काफी है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, ये सिर्फ एक थ्योरी थी, ठीक, मैंने तुम लोगों को क्लियर कर दी, क्योंकि मुझे पता है बाद में कुछ बच्चे कहने वाले हैं, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आप सबको मजा आएगा, अगर ऐसे ही मैं कभी कुछ भूलूंगा तो मैं आप लोगों को लास्ट में जाते जाते बता दूंगा बच्चों, ठीक है, तो होप आप सबको सही में मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑर्गेनिक चल रही है आपके स्पेशल क्लासेस में, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, तो होप आप सबको मजा आया, थैंक यू गाइस, बाय 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 दोस्तों।